दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स को परफेक्ट और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन है भी मुझे अकाउंट सीखने की जो शुरुआत है वो डायरेक्टली किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ करनी चाहिए, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पहले मुझे जर्नल एंट्रियाँ सीखनी जरूरी है। तो अगर आज की इस वीडियो का पूरा एंड तक कंप्लीट देख लेते हो तो वो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा भी आपको अकाउंट सीखने की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहाँ से मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी हम अकाउंट्स की जो शुरुआत होती है, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारी ABCD के अंदर जो ए होती है, उस ए की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको जर्नल एंट्री का नॉलेज नहीं है, आपको अकाउंटिंग के बेसिक गोल्डन रूल के बारे में पता नहीं है, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज आपको नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर आपका सीखा हुआ कोई काम आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो आपका सारा जो कन्फ्यूजन है, जो सस्पेंस आपके माइंड में है, वो दूर होने वाला है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमने आपको अकाउंट्स के जो बेसिक शुरुआत है वो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके हम आगे कंटिन्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसकी आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक कुछ गोल्डन रूल्स, यानी कि डेबिट और क्रेडिट की कहानी को इजी लैंग्वेज में। और उसके बाद में हम धीरे धीरे आपको इन्हीं वाउचर से, जो हमने आज की इस वीडियो में हम जो वाउचर्स आपको ये दिख रही है, जो हमने लाइन लिखी हुई है, जो हमने एज ए वाउचर के रूप में इनको बनाया हुआ है, इसको हम किस प्रकार से एंट्री करती है, इनको हम किस तरीके से डेबिट क्रेडिट के रूप में उतारेंगे, और उसके बाद में किस प्रकार से इनकी हम जर्नल एंट्रियां तैयार करेंगे, उसके बाद किस प्रकार से लेजर क्रिएट होंगे, किस प्रकार से इनका ट्रायल बैलेंस बनेगा, किस प्रकार से इनके फाइनल लेजर तैयार होंगे, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पर मिलते रहेंगे वीडियो पार्ट वाइज। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर वे नहीं मिल पाता भी मुझे अकाउंट सीखने की शुरुआत है जो किस प्रकार से करनी चाहिए, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से सीखना चाहिए या फिर पहले मुझे बेसिकली मैनुअल जर्नल एंट्री का नॉलेज होना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप के अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हमारा टैली सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल मैनुअल तरीके से जर्नल एंट्रियां किस प्रकार से बनाई जाती है वो नॉलेज आपको टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं सीख पाओगे अकाउंटिंग का, तो टैली सीखने का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब सिंपल सी बात, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, जब तक आपको ABC यानी कि जेड तक का नॉलेज नहीं है, ABC आपको नहीं आती, तब तक आप ग्रामर सीख नहीं पाओगे, स्पेलिंग आप सीख नहीं पाओगे। रट्टा जरूर लगा सकते हो लेकिन वो रट्टा आपके लिए कुछ ही टाइम तक आपके माइंड में रहता है, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो इसलिए हमें कोई भी हम ग्रामर सीखें, टेंस सीखें, उससे पहले हमारी ABC है वो हमें स्ट्रोंग होनी चाहिए। कई बार हम ABC सीख लेते हैं लेकिन ये नहीं पता भी ए के बाद क्या आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए। तो प्रॉपर वे के अंदर आपकी ABC कंप्लीट जरूरी है। तो और आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं ना, वो हमारा मेन पॉइंट है डेबिट और क्रेडिट के बारे में, यानी कि कौन सा लेजर डेबिट होता है, कौन सा लेजर क्रेडिट होता है और किस कंडीशन में होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करें, एक बार हम लेजर्स जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी हम अकाउंटिंग करें उसके अंदर हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट आते हैं, यानी कि एक सबसे पहला आता है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन होता है? जो इंडिविजुअल नाम से आते हैं, जैसे सुमित, श्रीराम ट्रेडर्स, सुदेश, बैंक, कंपनी, यानी कि पर्सनल व्यक्ति और कोई आर्टिफिशियल कंपनी, जैसे कोई कंपनी का नाम है, बैंक है, या कोई पर्सनली। और उसके बाद में एक अकाउंट होता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कवर होते हैं? जो हमारी परचेज सेल है या फिर केस है, ये हमारे वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। और उसके बाद में आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो हमारे बिजनेस के टोटल खर्चे हैं, जो लॉस हैं, वो हमारे कवर होते हैं, या इसके अलावा हमारी जो बिजनेस की जो टोटल इनकम है, और या फिर हमारे टोटल जो गेन्स प्रॉफिट है, वो सारे कवर होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। बस इन तीन अकाउंट्स के अंदर ही हमारी अकाउंटिंग है जो सिमट जाती है।
लेकिन अब बात ये आती है भी इसको हम समेटेंगे किस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब पॉइंट्स हम जैसे हम इसको शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब हम ये जो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, ये आपको हम एज ए रियल बिजनेस की जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है ना, उसी के आधार पर आपका ये रिकॉर्ड हम आपको समझाएंगे, क्योंकि तभी हमारे दिमाग में सारी कहानी है जो समझ में आ जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का नाम। अब कंपनी का नाम का मतलब यानी कि हमारे पास कोई एक फर्म है, एक कंपनी है, एक दुकान है जिसका नाम है सुमित ट्रेडिंग कंपनी। यानी कि ये कोई एक रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ABC कोई भी ट्रेडिंग कंपनी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, देखो अब सबसे पहला कोई भी हो, अगर हमने कोई बिजनेस किया ना, तो उस बिजनेस के अंदर हमें कुछ कैपिटल लगानी पड़ती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब बिजनेस आपका 10,000 से स्टार्ट हो सकता है, 1,00,000 से हो सकता है, 20,00,000 से हो सकता है, 50,00,000 से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एंट्री को समझने के लिए आप देख सकते हो, जैसा कि मेरे फर्स्ट लाइन है भी, सुमित ने 1,00,000 रुपये नगद से किराना का व्यापार स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ से हमारा कोई समझ में नहीं आएगा भी क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। लेकिन उससे पहले हमारा जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं उसके ऊपर हम एक बार थोड़ा सा नज़र लगाते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है भी जब पैसा या सामान हमारे बिजनेस में आता है, यानी कि हमारे व्यापार में आता है, हमारी दुकान में आता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब रही बात सामान की, तो अब सामान का मतलब क्या हो गया? अब ये जो सामान शब्द हमने जो यूज़ किया ना, ये सामान शब्द ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पे, यानी कि हमारी दुकानदारी पे, हमारी दुकानदारी किस टाइप की है। आप देख रहे हो हमने जो एग्जाम्पल लिया वो एज ए किरियाना स्टोर का लिया हुआ है। तो अब हमारे बिजनेस के अंदर जो हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, यानी कि जो बेचने वाले प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस के अंदर चावल होगी, शुगर होगी, या और भी है जैसे चाय वगैरह प्रोडक्ट हो गए, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकती है, साबुन हो सकती है, जो हम प्रोडक्ट हमने परचेज किए हमारे बिजनेस के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस के लिए क्या होंगे? सामान होंगे। और पैसे का मतलब क्या हो गया? नकदी का। अब देखो कहानी क्या बन रही है भी जब पैसा या सामान हमारे व्यापार में आता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो यानी कि अब देखो यहाँ पे रूल मैंने यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करी है, यानी कि जिस बिजनेस के अंदर जो वस्तु बेचने के पर्पज़ से जो परचेज होती है ना, वो उस बिजनेस का ट्रेडिंग गुड्स होता है। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो किराना स्टोर का है, तो आपने चीनी खरीदी, शुगर खरीदी, गुड़ खरीदा, चावल खरीदा, किस लिए खरीदा? बेचने के लिए खरीदा है। तो यानी कि वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा ना, वो आपके एज ए बिजनेस का ट्रेडिंग गुड्स का पार्ट है, यानी कि उस प्रोडक्ट से आप अपनी बिजनेस कर रहे हो, उससे अपना व्यापार कर रहे हो, उससे प्रोडक्ट को बेच के आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो आपके ट्रेडिंग गुड्स का पार्ट होता है। अब कई बार ऐसा होता है जी, कुछ ऐसी मतलब वस्तुएं होती है जो हमने परचेज तो कर ली लेकिन उसको बेचना नहीं है, यानी कि हमने उसको बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? एसेट बन जाती है, यानी कि वो एक तरीके की हमारी प्रॉपर्टी बन गई। ये आगे की बातें, लेकिन हम इसके एक बार डिस्कस इस मैटर पर नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब पैसा या सामान हमारे व्यापार में आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब देखो सामान हमारे बिजनेस में किस कंडीशन में आता है भी, जब हम मार्केट से इसको परचेज करेंगे। और पैसा हमारे पास कब आता है? अब पैसा हमारे पास दो कंडीशन में आएगा। पहला, अगर हम हमारे बिजनेस के अंदर अगर कोई नगद सामान बेचेंगे, कैश सेल करेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा। और दूसरा, मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को सामान पहले से ऑलरेडी उधार दे रखा है, अगर उसका पैसा हमारे पास आ जाता है, जिसको हम उधारी बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आता है। यानी कि दो कंडीशन के अंदर हमारे पास पैसा आता है, एक तो जब हम किसी कस्टमर को नगद सामान बेचते हैं तो पैसा आएगा, या फिर किसी कस्टमर को सामान पहले उधार दिया हुआ था उसका पैसा आज हमारे पास आया, उस कंडीशन में भी पैसा हमारे बिजनेस के अंदर यानी कि हमारी दुकान में आता है। तो इसका पॉइंट आ गया भी पैसा या उधार सामान देने वाले कस्टमर और दुकानदार को फिर हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि अब मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा और वो सामान आपने उधार खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भी, जिस कंपनी से हमने सामान खरीदा है, यानी कि जिस दुकानदार से हमने सामान खरीदा है, उस दुकानदार के क्रेडिट करेंगे, यानी कि जमा करेंगे। और उधारी का मतलब हो गया, अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर आपको पुराने पैसे आज उधारी दे के जा रहे हैं, तो उस कंडीशन भी हम क्या करेंगे, उस कस्टमर के क्रेडिट यानी कि जमा करेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, तब हमारी सारी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। और ये 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट जिसका इसका अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट और दो का, 1 और 2 नंबर का अपोजिट है 3 और 4। यहाँ पर लिखा है भी जब वो पैसा और सामान हमारे व्यापार से जाता है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब देखो सामान हमारे बिजनेस कब जाएगा भी, जब हम किसी कस्टमर को सेल करेंगे। अब सेल आपकी कैश हो सकती है
उधार में हो सकती है, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर समान ही आपके बिजनेस से जाएगा ही जाएगा। और पैसा किस कंडीशन में जाएगा? पैसा आपका तीन कंडीशन में जाएगा। पहला, अगर मान लीजिए आपने कोई नगद सामान खरीदे तो आपके बिजनेस में से पैसा निकलेगा, आपकी दुकान में से पैसा निकलेगा। दूसरा, अब मान लीजिए आपने कोई किसी कंपनी से किसी दुकानदार से सामान उधार में खरीद रखा है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी पैसा आपकी दुकान से ही निकल रहे हैं। और तीसरा, अब मान लीजिए आपने बिजनेस के अंदर कोई खर्चा कर दिया, किसी भी टाइप का खर्चा कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी दुकान में से पैसा निकलना है। तो ये पैसा बिजनेस में जाने के तीन मेन कारण यही होते हैं। पहला, नगद सामान खरीदा। दूसरा, मान लीजिए सामान आपने उधार खरीदा, उसकी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो। और तीसरा, अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो पैसा या उधार सामान लेने वाले कस्टमर, दुकानदार और खर्चों को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मान लीजिए आपने किसी को, कस्टमर को उधार सामान बेचा, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? कस्टमर को डेबिट करेंगे। मान लीजिए आपने पैसा किसी दुकानदार को दिया, उस कंडीशन में उस दुकानदार के खाते को हम डेबिट करेंगे। तीसरा, मान लीजिए आपने कोई खर्चा किया है तो खर्चे के कारण भी हमें उसको एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो ये तो थी एज ए बुक्स की परिभाषा। अब हमने इसको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज के अंदर भी बनाया हुआ है। अब इजी लैंग्वेज हमारे लिए क्या है उसको हम समझते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी वर्ड हो, कोई भी वाउचर हो, उस वर्ड के अंदर, उस लाइन के अंदर मान लीजिए कोई समान शब्द का अगर कोई वर्ड यूज हुआ है। समान यानी कि समान शब्द का कब यूज होना है? यह तो समान आपकी दुकान में आएगा या फिर आपकी दुकान से जाएगा, तीसरा तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। दुकान में आएगा तो क्या होगा? डेबिट। अगर दुकान से जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। बस इतना याद रखना है। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है भी उस लाइन के अंदर नगद शब्द का भी आपने यूज किया हुआ है क्या। नगद शब्द का यूज किया तो कब होगा? पैसे का जिक्र कब होता आपके बिजनेस के अंदर? भी या तो पैसा दुकान में आएगा तब होगा, या पैसा आपकी दुकान से जाएगा तब होगा। आएगा तो क्या होगा? डेबिट। जाएगा तो क्रेडिट। बस दो ही कहानी आपको याद रखनी है भी अगर सामान या कैश आपके बिजनेस के अंदर आएगा तो हमेशा डेबिट होगा, अगर सामान और कैश यानी कि पैसा आपकी दुकान से जाएगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। अब आपको इजी समझ में आ जाएगी इसकी कहानी। अब जैसे कि फर्स्ट लाइन हमने लिखी भी सुमित ने 100,000 रुपये नगद से ये किराना का स्टोर है जो बिजनेस है जो इसने स्टार्ट किया है। अब बात आएगी भी इस लाइन के अंदर हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए भी इस लाइन के अंदर आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा कोई पर्सनल या रियल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में अभी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या जिक्र किया था भी सुमित ने 100,000 रुपये नगद से किराना का बिजनेस का जो स्टोर बिजनेस है जो स्टार्ट किया है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो, हमने ये नहीं लिखा भी 100,000 रुपये का सामान खरीदा है, हमने ये लिखा भी 100,000 रुपये की एक तरीके की इन्वेस्टमेंट करी है, कैपिटल लगाई गई है, पूंजी लगाई गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी आपके बिजनेस के अंदर आपकी दुकान के अंदर पैसा आया है। अब पैसे नगद का रूल क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा था भी पैसे नगद का रूल हो गया था, अगर पैसा आपकी दुकान में आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है भी पैसा हमारे पास में दुकान के अंदर आ रहा है, अगर पैसा आपकी दुकान के अंदर आएगा तो क्या होने वाला है? डेबिट होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार करेंगे डेबिट को, इसको हम करते हैं कैश, यानी कि अब कैश हमारा रहेगा इस कंडीशन के अंदर में डेबिट। अब डेबिट तो कर दिया तो अब जाहिर सी बात है एक क्रेडिट भी होगा, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर एक दो साइड चलती है, एक साइड आपकी चलेगी डेबिट की, एक चलेगी क्रेडिट की। अब वो डेबिट क्रेडिट होगा क्या वो हम डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि अब एक बात तो तय होगी भी पैसा हमारी दुकान में आया है तो पैसा तो डेबिट होगा। अब बात आएगी भी पैसा आया तो आने का कारण क्या, पैसा दिया किसने है? सुमित ने दिया है। अब सुमित यहाँ पर एक दुकान का मालिक है यानी कि दुकान का प्रोपराइटर है, तो रूल क्या कहता है, अब चाहे आप रूल को देख लो चाहे आप इसकी कहानी यहाँ पर समझ सकते हैं भी पैसा या उधार सामान देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर ये कस्टमर नहीं है, दुकानदार भी नहीं है, लेकिन मालिक है, लेकिन पैसा तो दुकान में आ रहा है। अगर पैसा दुकान में आएगा और जो पैसा दे रहा है उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, पैसे देने वाले को क्रेडिट करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री फॉर्मेट क्या बनेगी वो हम आगे देखेंगे, सबसे पहले एक बार जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए उसका एक बार हम डेबिट क्रेडिट तय कर लेते हैं भी डेबिट क्रेडिट होने वाला क्या है। उसके बाद में सेकेंड लाइन आप देख रहे हो भी श्रीराम ट्रेडर्स से 13,150 रुपये का हमने किराना सामान खरीदा है और ये हमारे पास आया है इस सामान का इनवॉइस नंबर।
अब ये 13,150 यानी कि जो हमने टोटल जो प्रोडक्ट हमने खरीदे हैं उन सभी प्रोडक्ट की वैल्यू है 13,150 रुपए की। तो अब जाहिर सी बात है भी सामान हमने खरीदा है तो सामान हमारे बिजनेस में आया या गया है, सामान हमारे बिजनेस में आया है और आने सामान का जब बिजनेस के अंदर आएगा तो रूल क्या कहते हैं कि अगर सामान आपका बिजनेस के अंदर आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका मतलब एक बात तो आपकी तय होगी कि किराना सामान आपका डेबिट होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस किराना सामान को सामान खाते को तो हम करेंगे डेबिट। तो अगला पॉइंट क्या कहता है भी ये सामान आप देख लो भी ये उधार खरीदा या नगद खरीदा है। अब इसका पता आपको कैसे चलेगा भी आप सबसे पहले इस लाइन के अंदर ये देख लो भी आपने नगद शब्द का यूज किया है क्या, हमने नगद शब्द का यूज किया ही नहीं है। अगर ये इसका नगद यूज नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ भी हमने उधार खरीदा है और उधार की कंडीशन के अंदर क्या होता है, आप पॉइंट्स हम देखेंगे तो पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो भी पैसा या उधार सामान देने वाले दुकानदार को हम क्या करते हैं फिर क्रेडिट करते हैं, यानी कि एक आपने डेबिट कर दिया तो एक क्रेडिट भी होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो सामान हमें दे रहा है और जो शख्स हमें सामान दे रहा है उसके खाते में हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। अभी इस कंडीशन के अंदर श्री राम ट्रेडर्स का जो अकाउंट बनेगा वो क्रेडिट होगा और किराना सामान खाता हमारा जो हमने परचेज किया वो डेबिट होगा। नेक्स्ट तीन नंबर पॉइंट, विसुदेश को 1890 रुपये का किराना सामान बेचा है। तो अब सामान हमने बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सामान हमारा सेल हुआ है और सेल होने की कंडीशन में क्या होता है कि सामान हमारी दुकान से जाता है और रूल क्या कहते हैं भी अगर सामान आपकी दुकान से जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सामान खाते को तो करेंगे क्रेडिट। और आगे रूल क्या कहते हैं भी सामान उधार लेने वाले कस्टमर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आप पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो भी पैसा या उधार सामान लेने वाले कस्टमर को हम क्या करते हैं, डेबिट। अब आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये वर्ड देख लो भी इस लाइन के अंदर आपने नगद शब्द का यूज किया है क्या, हमने लिखा है सुदेश को 1890 रुपये का किराना सामान बेचा लेकिन नगद शब्द हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। तो अगर नगद आपने यूज नहीं किया तो इसका मतलब ये एंट्री उधार आपने बेचा है और उधार की कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे भी जो सामान हमारे से उधार लेके जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो उस कस्टमर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि अब सुदेश का जो अकाउंट बनेगा वो डेबिट बनेगा, डेबिट के साइड के अंदर लिखा जाएगा। और ये रही इनवॉइस नंबर एक इसकी। अब हमारे पास ये इसका 1890 रुपये का मतलब क्या हो गया भी हमने इसको जो भी प्रोडक्ट सेल किया उन सभी प्रोडक्ट की वैल्यू 1890 रुपये की है। अब इसके अंदर प्रोडक्ट एक हो सकता है, प्रोडक्ट आपके 50 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वैल्यू 1890 रुपये की है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ये जो वर्ड जो लिखे जाते हैं ना ये कोई संख्या नहीं है, ये वैल्यू होती है सामान की। नेक्स्ट जो चार नंबर पॉइंट हमारे पास था भी राजू को 3512 रुपये का नगद किराना सामान बेचा। अब इस कंडीशन के अंदर भी क्या हुआ, सामान बेचा है तो जाहिर सी बात है सामान हमारी बिजनेस से जा रहा है, हमने सेल करी है और सेल की कंडीशन के अंदर क्या होता है, कंडीशन के अंदर सामान खाते को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि सामान चाहे आप कैश में सेल करो चाहे आप उधार में सेल करो दोनों कंडीशन के अंदर सामान जो आपकी बिजनेस से जाता ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, किराना सामान खाते को हम करेंगे क्रेडिट। अब उसके बाद आपको दूसरी लाइन मैंने अभी बताया था भी आपको ये लाइन भी देखनी है भी उस लाइन के अंदर हमने कोई नगद शब्द का यूज किया है या नहीं किया हुआ। तो नगद शब्द की अगर हम बात करें तो हमने लिखा हुआ है भी राजू को 3512 रुपये का नगद किराना सामान बेचा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमने नगद शब्द का भी यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो अगर पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो भी पैसा यानी कि कैश नगद की कहानी क्या होती है भी अगर पैसा कैश दुकान में आएगा तो डेबिट होगा, अगर दुकान से जाएगा आपके बिजनेस से जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब अगर आपने सामान सेल किया है तो सामान आपके बिजनेस से गया है तो पैसा आया है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर अब क्या होगा, इस ये जो राजू शब्द हमने वर्ड यूज किया कस्टमर का इसका कोई हमारे बिजनेस के अंदर रोल नहीं है, अब इसका अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि अकाउंट आपने डेबिट और क्रेडिट दो ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिए हैं। पॉइंट नंबर पाँच की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1510 रुपये का नगद किराना सामान बेचा। अब यहाँ पर हमने किसी कस्टमर का नाम नहीं लिखा लेकिन पूरा वर्ड अगर देखें 1510 रुपये का नगद किराना सामान बेचा, तो सामान तो यहाँ पर भी हमारा सेल हो रहा है। अब सेल होगा तो क्या होगा, सामान हमारे बिजनेस से जा रहा है तो जाएगा तो क्या होगा, किराना सामान खाता हमारा हो जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पर हमने लिखा है
नगद बेचा है तो नगद बेचा है, इसका मतलब पैसा दुकान में आ रहा है, तो कैश को हम करेंगे डेबिट। अब इस कंडीशन के अंदर अगर कस्टमर का नाम लिखा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा हुआ है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सामान आपकी दुकान से जा रहा है और पैसा आपके पास में आ रहा है। तो अगर पैसा दुकान में आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और सामान अगर दुकान से जाता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, भी आपकी दुकान से सामान भी जाएगा और साथ में पैसा भी जाएगा। सामान जाएगा तो पैसा आएगा, अगर सामान आएगा तो पैसा जाएगा। इसी तरीके से हमने पॉइंट नंबर 6 की बात करें, भी श्री राम ट्रेडर्स को 3,000 रुपये का नगद भुगतान किया। अब इस लाइन के अंदर देखो, हमने ये नहीं लिखा भी सामान खरीदा या सामान बेचा, हमने लिखा भी श्री राम ट्रेडर्स को 3,000 रुपये का नगद भुगतान किया। इसके अंदर हमने कोई सामान शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन नगद का यूज किया हुआ है, पैसे का जिक्र हो रहा है। अब पैसे का जिक्र हो रहा है तो भैया ये सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पैसा हमारी दुकान में आ रहा है या फिर जा रहा है। भी हमने श्री राम ट्रेडर्स को 3,000 रुपये का नगद जो भुगतान किया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारी जेब में से पैसा निकलता है, यानी कि हमारी दुकान से पैसा जा रहा है। अगर पैसा अगर हमारी दुकान से जाएगा या हमारी बिजनेस से जाएगा तो रूल क्या कहते हैं कि पैसा दुकान से जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, नगद को करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। तो फिर पैसे को जाने का कारण क्या है, हमने पेमेंट करी है श्री राम ट्रेडर्स को, तो जो हमारे से पेमेंट ले रहे हैं तो हम उस करेंगे श्री राम ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब श्री राम ट्रेडर्स ने हमें सामान से दिया था तो हमने श्री राम ट्रेडर्स को ये क्रेडिट किया था। अब क्रेडिट करने का मतलब क्या हो गया, भी हमने 13,150 रुपये का भुगतान श्री राम ट्रेडर्स को अभी करने वाला बकाया पड़ा है, हमने इसको नगद पेमेंट अभी तक दी नहीं है इस लाइन के आधार पे, तो क्रेडिट का मतलब क्रेडिट। और यहाँ पर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सुदेश के अकाउंट को डेबिट किया था, अब डेबिट करने का मतलब क्या हो गया, भी ये 1,890 रुपये का जो पैसा है ये रुपये अभी सुदेश से लेने वाले हैं, सुदेश ने अभी पेमेंट इसकी करी नहीं है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि सामान तो हमने इसको उधार में सेल किया है। अब हमें पता कैसे चलेगा भी ये उधार में ही सेल किया था कि नगद में सेल किया था, क्योंकि आप देख रहे हो इस लाइन के अंदर हमने कहीं नगद शब्द का यूज ही नहीं किया। जहाँ पर नगद शब्द का यूज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो एंट्री ऑटोमेटिक आपकी उधार ही मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 7 की हम बात करते हैं, भी श्री बालाजी फर्नीचर हाउस से 9,540 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, अभी फर्नीचर आपके पास आ रहा है या जा रहा है, फर्नीचर हमारे पास में आ रहा है। तो रूल क्या कहता है, अगर हमने कोई भी सामान खरीदा हो, चाहे वो बेचने के पर्पज से खरीदा हो, चाहे हमने बिजनेस के पर्पज से खरीदा हो, तो दोनों कंडीशन के अंदर सामान हमारे पास में आता ही है। तो सामान हमारे पास दुकान में आएगा तो हम क्या करने वाले हैं, इसको डेबिट करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्नीचर का जो अकाउंट है, फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट। और अब देख सकते हो आप, इसके अंदर हमने कोई नगद शब्द का यूज नहीं किया। अगर नगद शब्द का यूज नहीं किया हुआ तो इसका मतलब ये सामान हमने श्री बालाजी फर्नीचर हाउस से उधार में खरीदा, यानी कि अभी इसको ये पैसा देने वाला पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, श्री बालाजी फर्नीचर हाउस को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब हो गया ये 9,540 रुपये का भुगतान अभी भी श्री बालाजी फर्नीचर हाउस को करने वाला बकाया है आपका, और ये हमारे पास इनवॉइस आया है। और यहाँ पर जब हमने इनको पेमेंट किया था नगद भुगतान का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो कंपनी हमें रसीद देती है, जिसे हम बोल देते हैं रिसिप्ट। ये हमारी ये रिसिप्ट किसके द्वारा दी हुई, हमें श्री राम ट्रेडर्स के द्वारा रिसिप्ट हमें मिली है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 8 की बात करें, भी मदन पुस्तक स्टोर से ऑफिस के लिए हमने 250 रुपये का स्टेशनरी का सामान है जो नगद खरीदा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ये सामान नगद खरीदा। अब स्टेशनरी के अंदर आपके पास कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, फाइल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 250 रुपये का स्टेशनरी का सामान हमने नगद खरीदा है। अब ये डिपेंड करता है भी आपने ये जो स्टेशनरी का जो सामान खरीदा है, अब ये सामान आपने रीसेल पर्पज से खरीदा है या आपकी बिजनेस का खर्चा है। यानी कि अगर आपके मतलब रीसेल के लिए पर्पज खरीदा है, यानी कि जो स्टेशनरी आपने खरीदी है वो आपने बेचनी है, तो ये स्टेशनरी का सामान आपके पास में आया है और नगद खरीदा है, इसका मतलब पैसा आपकी दुकान से गया है। तो अब दोनों कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सामान हमारे पास स्टेशनरी का सामान हमने खरीदा तो स्टेशनरी का सामान हमारे पास में आया है, और रूल क्या कहता है भी अगर सामान आपके बिजनेस के अंदर आता है तो डेबिट ही होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्टेशनरी जो हमारा स्टेशनरी का जो अकाउंट है इसको हम करने वाले डेबिट। और अब हमने लिखा भी नगद खरीदा है, इसका मतलब पैसा आपने नगद भुगतान कर दिया तो पैसा आपका बिजनेस से चला गया। अगर पैसा अगर दुकान से जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, नगद को करेंगे क्रेडिट,
यानी कि पैसा आपकी दुकान से गया है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2, विसुदेव से 1000 रुपये नगद प्राप्त किए। अब इस लाइन के अंदर हमने कोई सामान बेचा या सामान खरीदा, कोई वर्ड हमने यूज नहीं किया हुआ, सीधा लिखा सुदेव से 1000 रुपये नगद प्राप्त किए। अब इसका मतलब सामान शब्द का तो यूज हमने नहीं किया, लेकिन नगद यानी कि पैसे का सामने वर्ड यूज किया है। अब नगद प्राप्त किए तो इसका मतलब क्या हुआ, भी पैसा हमारे दुकान में आया है। अगर पैसा आपके दुकान में आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दुकान में आएगा तो पैसा डेबिट ही होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले तो करेंगे केस को डेबिट। अब पैसा दुकान में आए तो पैसे को देने वाला कौन है भाई, सुदेश, यानी कि ये पैसा हमें सुदेश से प्राप्त हुआ है। तो रूल ये कहता है भी जो हमें पैसा दे के जाता है जो कस्टमर, उसके हम करते हैं क्रेडिट। तो हम सुदेश के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, यानी कि अब ये हमें सुदेश को ये रिसिप्ट देनी पड़ेगी। रिसिप्ट नंबर हमारी रहेगी 1। अब 1 क्यों रहेगी, क्योंकि हमने ये फर्स्ट टाइम ही रिसिप्ट है जो जनरेट करी है। तो उससे पहले जो हमने यहाँ पे जो सेल किया था, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इनवॉइस कस्टमर को देते हैं, यानी को हम जिसको बोल देते हैं बिल दे दिया हमने। अब देसी भाषा में इसको बिल बोल देते हैं, लेकिन एज अकाउंटिंग की भाषा के अंदर हम उसको बोलेंगे इनवॉइस। तो सबसे पहले यह हमने सुदेश को ही फर्स्ट इनवॉइस किया था, तो ये इनवॉइस नंबर 1। उस तरीके से राजू को हमने नगद सामान किया, तो कस्टमर राजू को भी हमें इनवॉइस देना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर 2, और उसके बाद में ये इनवॉइस नंबर 3। लेकिन अब 3 नंबर इनवॉइस की अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 के, तो ये हमने कस्टमर का नाम नहीं लिखा था। अब नाम न लिखने का कारण भी कौन लेके गया, लेकिन अब हमें यहाँ पर नहीं पता लग रहा भी कौन लेके गया था। 4 नंबर पॉइंट के अंदर हमें पता लग रहा है भी राजू लेके गया था, लेकिन 5 नंबर पॉइंट में ये बात क्लियर हो नहीं रही है। अब ये क्लियर न होने का मतलब क्या हो गया भी, अब इस 1510 रुपये के अंदर वो लोग शामिल हैं जो पूरे दिन के अंदर हमारे पास आए थे, सामान उन्होंने हमारे से खरीदा, पैसे वो हमारे को दे गए थे, लेकिन वो इनवॉइस साथ के साथ लेके नहीं गए थे। तब उन जो जो प्रोडक्ट हमारे पास नगद के अंदर बिकते रहे, हमने सभी को एक साइड के अंदर नोट करते रहे, और शाम को सभी का हमने एक इकट्ठा ही इनवॉइस बना दिया। अब इनवॉइस बनाओगे तो ही आपका स्टॉक है जो मेंटेन रहेगा, तो ही आपके बिजनेस के अंदर जो आपके पैसा आया है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया तो न तो आपका स्टॉक मेंटेन होगा, और न ही आपके बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो था आज के हमारा इस बेसिक रूल डेबिट और क्रेडिट की कहानी को, और आगे जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसके बाद सीखेंगे भी ये जो हमने एंट्री बनाई है, इसकी एंट्री को हम एज ए जो हमारी जनरल एंट्रीज के जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, और उसके बाद में किस तरीके से इनके लेजर है जो क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चाहते तो डायरेक्टली हम इसी इनवॉइस के आधार पर भी आपको ये सारी बातें समझा सकते थे, लेकिन अगर हम डायरेक्टली इनवॉइस को देख के अगर एंट्रियाँ बनाने सीखेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार हमने इनका सभी का रिवीजन कर लिया तो ये इनवॉइस को देख के एंट्रियाँ बनाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं, कहानी समझ सकते हैं भी ये हमारे लिए क्या वाउचर बनेगा। तो अगर हम डायरेक्टली इन बिना जर्नल एंट्री या बिना इन शब्द को एक बार लिखे हुए अगर हम सीधा डायरेक्टली समझेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ये एक बार आपने समझ लिया तो आगे आने वाले टाइम में जो हम वाउचर से जो एंट्रियाँ करने वाले हैं वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पर भी वाउचर को सीखने के बाद अगर आपने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि हम इसी से भी जर्नल एंट्रियाँ बनाना सीखेंगे, और उसके बाद में ये जो जनरल एंट्रियाँ बना रहे हैं ना उसी जनरल एंट्री के आधार पे हमने इसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इसको मेंटेन करना सीखेंगे, तब हमारी बारी आएगी भी हम इसको अब टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम लेज़र क्रिएट करेंगे। क्योंकि आपको ये जो हमने अभी जो डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर जो सेलेक्ट किया ना, इसका मतलब ये हमने एक तरीके के लेज़र सेलेक्ट कर लिए, इस आधार के ऊपर आपका जो वर्डिंग आपने लिखी है, इस वर्डिंग के आधार के ऊपर आपका डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो तय हो चुकी है भी कौन सा लेजर डेबिट होने वाला है और कौन सा लेजर है जो क्रेडिट होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, और उसके बाद में लेजर, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। फिर भी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि नेक्स्ट पार्ट तक जो हम इसको रिलीज़ करें लाइव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे।